कुर्ती की कटिंग कंप्लीट होती है उस वक्त के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो हमारा कुर्ती की साइड से कपड़ा बचा हुआ है तो अब हम उसको लेंगे। उसको हम जो ये ऐसे है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारी बिन विदाउट जॉइंट के बनती है या जॉइंट के साथ बनती है। तो ये हमारा कितना हुआ कपड़ा, ये हमारा हुआ 8 इंचेस। पर हमारा ये कम है क्योंकि हमने तो शोल्डर ही ऑलरेडी 8.5 काट सवा आठ काटा हुआ है। तो अब हमें 8.25+1 इंच और चाहिए, तो यानी कि 9.25, तो हम 10 इंच का कपड़ा रखेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा कपड़ा है इस कपड़े को अब हम ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद अब हम यहाँ पे जो ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें जॉइंट डालेंगे। तो ये हम ये देखेंगे कि ये यहाँ तक कहाँ तक हमारा ये 10 इंच आ रहा है। तो ये हमारा 10 इंच यहाँ आ रहा है तो हम इस पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 10 इंच रखेंगे। 10 इंच के बाद अब हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई का रखेंगे। तो हमारा ये टोटल कपड़ा कितना हुआ, 11.5। अब हम इस 11.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले जो पहले इस अनइवन कपड़े को सीधा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी शोल्डर कैप है, यहाँ पे 3.5 का निशान लगाने के बाद अब हम आगे अपनी जो स्लीव्स की लेंथ है वो देखेंगे। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ 18 इंच है। तो हम 18 में क्या करेंगे कि 1/2 इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा वो लेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 18.5। तो 18.5 के बाद अब हम जो हमारी फोल्डिंग होगी तो फोल्डिंग कितने की होगी, वो हमारी 2 इंच की होगी। तो हम यहाँ पे फिर 2 इंच का निशान लगाएंगे। इन निशानों को फिर हम सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी शोल्डर कैप है जो कैप हाइट है, कैप हाइट बोलते हैं इसको। तो यहाँ से हम जो निशान लगाएंगे शोल्डर कैप हाइट से, तो इसको जो हमने अपना कुर्ती में शोल्डर की लेंथ रखी थी वो हमने 8.25 रखी थी, इसमें अब हम क्या करेंगे कि 1/2 इंच प्लस कर लेंगे तो 9.25 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अब हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को ऐसे लगाने के बाद अब हम ऐसे जो ये हमारा है ये, तो इधर से हम कम से कम 2 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारा ऐसे सीधा होगा। तो इसको अब हम ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। जब हमारी गोलाई अच्छी तरह से आ जाएगी, जो ये 2 इंच का निशान है, फिर इसको अच्छी तरह से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम अपनी स्लीव की मोरी की साइड जाएंगे। तो हमारी मोरी तैयार, मोरी 5 इंच है। तो हम यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाएंगे। ये 5 इंच का निशान लगा दिया और 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन का होगा जो सिलाई में आएगा। और ऐसे ही अब हम इधर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इन निशानों को अब हमारी जो ये शेप पट्टी है, लेग शेपर है, इससे जो ये हमारा कर्व वाला हिस्सा है, एरिया है, इसको ऐसे रखेंगे। और जो हमारी हमने मोरी का निशान लगाया था 5 इंच पे, इसको यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे शेप दे देंगे। ऐसे शेप देने के बाद जो अब हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 1.5 इंच का रखा था इसको भी ऐसे शेप दे देंगे। शेप देने के बाद जो हमारा ये हमारा एक्स्ट्रा था इसको हम ऐसे सीधा लाइन खींच देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए जो सबसे पहले हमने जो ये फोल्ड का एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंच रखा है इसको कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करने के बाद और जो ये हमारी एक्चुअल लेंथ है स्लीव्स की, उसको हम ऐसे
फोल्ड करेंगे इस लाइन पे, ऐसे फोल्ड करेंगे। ये ध्यान रखना कि पीछे बल वगैरह या कपड़ा एक्स्ट्रा ना आ जाए। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसको ऐसे जो हमने 1.5 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसके ऊपर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये हमारी ये वाली आ रही है, तो इससे इसको ऐसे सीधा तिरछा करके ऐसे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम जो ये हमारा सेंटर है ये इस पे नोचेस लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे और नीचे मोरी की साइड भी जो ओपनिंग है इधर भी लगाएंगे। अब हमारी ये बन गई है, अब हम इसके अंदर जॉइंट डालेंगे। जॉइंट डालने के लिए अब हम करेंगे ये जो दूसरा कपड़ा लेंगे, दूसरे कपड़े को जो ये हमारा जॉइंट इसमें आएगा जो उल्टा है, तो इसलिए हम ये वाला जो मेन फैब्रिक है जिसका हमने जॉइंट डाला है ये भी उल्टा रखेंगे। और उल्टा रखने के बाद कम से कम यहाँ से 1 इंच का मार्जिन दे के इसके ऊपर इसको ऐसे चढ़ा देंगे। जो ये हमारा ये वाला पीस है इसके ऊपर हम जो ये 1 इंच का निशान लगाया था इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद अब हम इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। ऐसे इसको हमने यहाँ पे ऐसे कटिंग कर दिया है। इसके जॉइंट को जोड़ने के लिए पहले सबसे पहले हम जो हमारा ये ऊपर कैप हाइट का कर्व जा रहा है इस कर्व के साथ जो हमने जॉइंट लगाना है ये वाला जॉइंट मिलाएंगे, फिर इसको आपस में ऐसे जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ने के बाद यहाँ पे अब हम एक सिलाई देंगे। अब इस जॉइंट को अब हम सिलना स्टार्ट करेंगे, बैक स्टिच देके पक्का करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी बाजू को भी स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसकी इंटरलॉक कर लेंगे। मैं इंटर को लॉक करके इस बाजू को सिल के और इंटरलॉक करके आती हूँ। देखिए इसको इंटरलॉक कर लिया है। अब इंटरलॉक करने के बाद अब जो ये जॉइंट है इसको अब हम प्रेस के साथ बिठा देंगे और जो ये जॉइंट का जो हमारा ये कपड़ा है मार्जिन आया था इसको जॉइंट की साइड बाहर की तरफ निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको अब हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। हमने इसको प्रेस कर लिया है और ये देखिए अब हमारी सिलाई का पता भी नहीं चल रहा है कि ये लगी है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि 0.15 यानी कि लव की सिलाई देंगे, एक पैर से भी कम। ये देखिए अब हम इसके जो ये हमारा जॉइंट लगा हुआ है बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे रख के सिलाई करेंगे। बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई आ रही है, ऐसे ही हम दोनों बाजू पे सिलाई कर लेंगे। हमने देखिए ऐसे दोनों स्लीव्स पे बाजू पे सिलाई दे ली है। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ट्रिमिंग कर देंगे। अगर उस दूसरी स्लीव्स में भी है तो उसमें भी इसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे ऐसे बिछा लेंगे, पूरा इसको फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसके ऊपर अब हम दूसरी स्लीव्स रखेंगे और दूसरी स्लीव्स का सेंटर जो हमने शुरू में क्रीज लाइन के साथ इसका कट लगाया था इस कट से और इस कट से दोनों को आपस में ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद एक सा कपड़ा हम कर लेंगे जिससे कि इसके बल वगैरह निकल जाए और इसको अब हम सेंटर से फोल्ड करके इसकी चार तय यानी कि चार फोल्ड कर लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। इसके बाद हम बाजू की ड्राफ्टिंग फिर से करेंगे।
ड्राफ्टिंग करने के लिए जो ये हमारे ऊपर का कपड़ा अनइवन है, पहले इसको अब हम इवन करने के लिए कटिंग करेंगे। तो कटिंग कर लिया है अब हमने। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया है। तो हमने इसकी कैप हाइट 3.5 रखी थी, तो यहाँ से जो ये हमारा फोल्ड है, क्रीज लाइन बनाई हुई थी, यहाँ से फिर हम 3.5 पे निशान लगाएंगे। फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद यहाँ से हमने आपको बताया था कि वो हमने कंधा 8.25 रखा था, तो उसमें अब हम क्या करेंगे कि 8.25 में 1/2 इंच और प्लस करेंगे तो 9 इंच होगा। तो 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हमारी उन्होंने मोरी हमें 5 इंच बताई थी, तो अब हम क्या करेंगे, इस मोरी को भी यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और हम 1.5 इंच मार्जिन का, और ऐसे ही इधर भी 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब हमारा शेप पट्टी है, जिसे लेग शेपर भी कहते हैं, इसको लेंगे और ऐसे जो ये हमने अपना पौने नौ पे निशान लगाया था, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, और जो हमने ये मोरी का निशान लगाया था, इसके ऊपर ऐसे रख के निशान लगा देंगे। ये हमारा मेन है जहाँ पे हमने फिटिंग देनी है, और ये मार्जिन का निशान है जो हमने 1.5 इंच के लगाए थे, यहाँ पे इसको ऐसे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद जो हमने ये 1.5 इंच का मार्जिन देके हमने निशान लगाया था, इसकी हम निशान के ऊपर पूरी शोल्डर तक कटिंग कर देंगे। अब ये हमने इसकी साइड की कटिंग कर दी है, फिनिश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट साइड का आर्मर होता है, जो हमारे फ्रंट हिस्से में लगता है, अब हम उसकी गहराई देंगे, उसकी डीपनेस करेंगे। तो इधर से जो हमारा ये कट था, जो हमारा हम जो फिटिंग का, तो इधर से अब हम निशान लगाना शुरू करेंगे, और ये यहाँ पे 2 इंच तक ये प्लेन रखना है हमने, तो यहाँ तक निशान लगाएंगे। तो इसको हम ऐसे 1 इंच की गहराई देते हुए निशान लगाएंगे। अगर जो जिनको तो आता है वो तो आराम से लगा लेते हैं, अगर जो बिगनर्स हैं तो वो क्या करेंगे, ऐसे निशान रख यहाँ पे रखेंगे 2 इंच के निशान पे, और जो ये हमारा कट का निशान है इसके ऊपर रखेंगे, फिर देख लेंगे कि ये हमारा कितना आया है। तो ये हमारा 8 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे 1/2 4 पे। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इधर 1 इंच का ऐसे निशान लगा देंगे। देखिए मैंने वैसे ही अपने 1 इंच का आइडिया से गोलाई दे दी थी, बिल्कुल सही आई है। ऐसे ही आप लोगों को भी जो बिगनर्स हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाएगी। अब देख फिर ऐसे गहराई दे देंगे, और आगे के 2 पीस हमें सिर्फ 2 पीसों की कटिंग करनी है, 4 की नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारा 4 फोल्ड में है। तो ये हमारी जो फ्रंट की जो आगे की 2 बाजू हैं उनमें कटिंग होगी। अब हम इनको ऐसे कटिंग कर देंगे। अब हमारी ये कटिंग हो गई है, और सेंटर का हमारा ये निशान लगा हुआ है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। हम सबसे पहले स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करेंगे। हमने जस्ट स्टार्टिंग में जिस टाइम हमने कटिंग की थी, तो इसकी हमने 2 इंच फोल्डिंग के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, और 2 इंच का ये निशान लगा के हम सेंटर में से इसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, 1/2 फोल्ड करेंगे। इसके बाद फिर दूसरा फोल्ड करके ऐसे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने पक्की सिलाई लगानी है। अगर कच्ची सिलाई लगाई तो फिर हमें तुरपाई करनी पड़ेगी, बट मैं इसमें कच्ची सिलाई लगा रही हूँ ना, तुरपाई कर रही हूँ, मैंने इसमें पाइपिंग लगानी है। तो मैं पाइपिंग लगा के आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। मैंने स्लीव्स के
बॉटम पे ये अपनी डोरी पाइपिंग लगा ली है। इसका वीडियो मैं किसी और दिन आपको बता दूंगी, और जिस दिन बता रही है तो इस वीडियो के जो आप लोग देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, अगर बाई चांस अगर आप देखते हो तो उसमें से आपको मिल जाएगा। अब हमने ये लगा लिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमारा जो ये फिटिंग का शोल्डर का हमने ये कट लगाया था, इसको ऐसे आपस में मिलाएंगे। ऐसे आपस में मिलाने के बाद अब हमारी जो बॉटम थी 5 इंच, हम इधर 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 5 इंच है तो हमारी बॉटम यहाँ पे 5 इंच थी, तो यहाँ पे हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमने ये नोचेस लगाए हुए थे, ये यहाँ तक हम शेप पट्टी से इसकी शेप देंगे। ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे ही हम दूसरी बाजू में भी करेंगे। हमने अब ये निशान लगा लिया और इसके निशान के ऊपर ही अब हम सिलाई करेंगे। ऐसे सिलाई करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे, और यह है ये एज तक, कॉर्नर तक, यहाँ पे जो हमारी करेंगे इसको ऐसे ही फोल्ड करके ऐसे निकाल देंगे और एक सिलाई और देंगे, जिससे हमारी ये सिलाई पक्की हो जाएगी। सारा धागे हैं उनको ट्रिम करते जाएंगे साथ ही साथ। ऐसे अब मैं दूसरी बाजू सिल के आती हूँ। हमने अपनी स्लीव्स की साइड की सिलाई देके इसको अब तैयार कर लिया है। अब हम इसको स्लीव्स के वो शर्ट के ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर लगाने से पहले अब हम क्या करेंगे, इस शर्ट को पहले ऐसे हम अपनी तरफ बिछा लेंगे, जो हमारा गला है सीधी साइड। फिर हम एक बाजू उठाएंगे, हम वो बाजू देखेंगे जो हमने स्लीव के आर्म होल पे ये गहराई दी थी, वो किस साइड आ रही है। अगर ये इस साइड आती है इसके साथ फ्रंट के साथ, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हमारी बाय चांस ऐसे आती है कि इसकी गहराई नीचे को जा रही है और हमारा फ्रंट ऊपर है, तो ये हमारे गलत बाजू लगेगी। इसलिए ये हमारी बाजू इस साइड की होगी और ये वाली इस साइड की होगी, क्योंकि ये गहराई, ये वाली कटिंग और ये वाली कटिंग सेम आमने सामने होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी शर्ट की फिटिंग, साइड फिटिंग दी थी, इसको इधर से ऐसे खोलेंगे। इसको खोलने के बाद अब हमारी जो स्लीव्स की साइड फिटिंग थी, इसको भी ऐसे अब हम खोलेंगे। खोलने के बाद जो ये हमारी सिलाई है और जो ये हमारी आर्म होल की सिलाई है, इससे कम से कम 1/2 इंच अंदर हम बाजू की सिलाई करेंगे, और फ्रंट की साइड 1/2 इंच होना चाहिए। तो ये जैसे हमारी ये सिलाई है और ये है, इससे कम से कम 1/2 इंच अंदर की तरफ ऐसे सिलाई करेंगे और इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे, और इसको पूरा गोल सिलते हुए आगे को बढ़ेंगे। जिस तरह हम शोल्डर की जो ये कंधे की सिलाई है इसके पास आएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, जो ये हमारे मार्जिन है सिलाई का, इसको हम ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड, जिससे कि हमारे कंधे पर इसका खिंचाव ना पड़े। ये हमारी एक टिप्स है, जिससे कि हमारा कंधा कई बार खिंचा खिंचा लगता है, इससे हम इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे तो ये खिंचा खिंचा नहीं लगेगा। जिस तब हम कंधे की वो सिलाई दे लेंगे, उसके बाद हम जहाँ से बाजू जोड़ना शुरू की थी वहाँ से हम बाजू को पकड़ेंगे और फिर ऐसे करके देखेंगे कि हमारी बाजू पूरी आ रही है, कोई कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं हो गया है। ये देखिए अब हमारा पूरा बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम इसको पूरी सिल लेंगे।
पूरी सिलने के बाद अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई करके इसको डबल करके पक्का कर देंगे। बाजू हमारी ये पूरी तरह से लग गई है। अब हम इसको सिलने के बाद आगे से सीधा करके देखेंगे कि कहीं हमारे बाजू में कहीं बीच में कपड़ा तो नहीं आ गया है या चुन्नट तो नहीं आ गई है। ये देखिए हमारी बिल्कुल सही आई है, ना कहीं कपड़ा आया है और ना कहीं चुन्नट आई है। अब हम ऐसे ही दूसरी बाजू को स्टिच करेंगे। ये अब हमारी कुर्ती की दोनों स्लीव्स इसके साथ अटैच हो गई हैं। अगर आपको ये मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पुराने हैं तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने इसमें आगे अपनी वीडियो कौन सी अपलोड की हुई है। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।